लाइक्स को ऊपर किया तो मेरा नंबर बहुत जल्द इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेरे के जीतने के चांस बहुत बढ़ गए। ये गेम तो हम जरूर वेरी इजी से जीतेंगे। वो लोगों का जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट उन लोगों का, हमारा 100। तो वेरी वेरी इजी से जीता हमने। तो तीनों मोड चारों मोड हम जीत चुके हैं, तो अब हम चलेंगे दूसरे मोड पर। दूसरे मोड होगा जर्नी 58 लेवल, वेरी हार्ड फॉर दिस टाइम। दिस इज कॉमन टाइम एंड 58 लेवल इज वेरी हाई, सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी टफ फॉर दिस टाइम। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल को हम जीत सकेंगे, जितने की कोशिश तो सही रहेगा। अपोनेंट भी बहुत खतरनाक है, ये फील्ड भी बहुत डेंजरस है, वेरी डिफिकल्ट फील्ड है ये, तो भी हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों का हरा सकें, इस लेवल को कम्प्लीट कर सकें। इस कोबरा टैंक से इस लेवल कम्प्लीट करना बहुत टफ होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो जीतने की कोशिश तो सही रहेगा। बहुत कम है, बाकी की चांस बहुत कम है, लेकिन मुझे वहाँ लाइफ बेस्ट है, तो उसने हेल्प किया मेरे लाइफ बढ़ने का, तो मैं थोड़ी बहुत आगे जा सकता हूँ। फिर भी मेरा टैंक बहुत अच्छी स्पीड कर रहा है एनिमीज के ऊपर। ये लेवल बहुत चैलेंजिंग है, आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल में जगह जगह पर टैंक, जगह जगह पर वो टावर फाइटर एवरीथिंग मुझे शूट कर रहा है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत थोड़ी चैलेंजिंग होगी। यहाँ तो बहुत बड़ा टैंक मुझ पर अटैक कर रहा है, वो आग का ज्वाला मुझ पर ताज रहा था, लेकिन उसके ही पार्टनर से पार्टनर ने उसको खत्म किया, तो मुझे ईजी कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस गेम की मैं अच्छी तरह से ये सिंपल तरीके से जीत पाऊँ और कंप्लीट कर सकूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। एली को आगमन हुआ, एली को मारने बहुत डिफिकल्ट हो गया इस टाइम को, कोबरा से एली को अटैक करना थोड़ी बहुत मुश्किल, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको खत्म कर सकते। इसको तो खत्म किया मैंने, अब दूसरा बाकी है तो उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। अब मेरे विचार से ही टैंक बचा हुआ है, उसको भी हमने खत्म कर दिया, तो ये लेवल टू के भी कम्प्लीट किया। दिस छोटे से कोबरा टैंक में मैं और एक मैच खेलूंगा, लेवल 59 भी खेलूंगा इस टैंक। क्योंकि एक ही बहुत हार्ड था, तो क्योंकि 9 भी हार्ड ही होंगे, लेकिन मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा कि वो लेवल को 7 तरीके से कंप्लीट करें। यहाँ तो एली भी आ रहा है शुरू में ही, वो टावर घुमा घुमा के मारेगा। मेरे विचार से ये बहुत ही टफ लेवल है जिस टाइम के लिए, लेकिन कोशिश बहुत अच्छा है मेरे, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ हर एनिमीज पर, हर टावर पर, हर टैंक पर। मेरे जीतने के चांस है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कोशिश भरपूर रहेगा। वो लोग मुझे मार रहा है और मेरा लाइफ भी बहुत कम है, तो तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हराने की। ये बहुत खतरनाक लेवल है, बहुत चैलेंजिंग जोन है कोबरा के लिए। अगर लेजेंडरी टैंक इसके
बर्लिन में होगा तो इस वक्त दिस लेवल कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है, फिर भी हमारा कुछ अच्छा ही है। इसको ख़त्म करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, फिर भी हम इसको ख़त्म तो करेंगे ही, क्योंकि इसको ख़त्म करने के बाद ही हम आगे और टाइम से बैटल कर पाऊँगा। नाउ उस बॉक्स ने मुझे हेल्प किया उसको मारने के लिए, उस बॉक्स को थैंक कहना चाहिए मुझे। ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस, यस दैट वाज सो डेंजरस। लेकिन हमने वो लोगों ने मुझे खत्म कर दिया, मैं दूसरा लाइफ लेकर आ रहा हूँ उधर। वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहा है, मेरा अमुक काम नहीं कर रहा है, अमुक बहुत स्लो है मेरा, फिर भी मारने की कोशिश जारी है। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम ले रहा है इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए। मेरा टैंक छोटा है, इसलिए अगर मैंने बड़ा टैंक लिया तो इस लेवल को मैं बहुत जल्द ही खत्म कर देता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम इस लेवल को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, सभी को ख़त्म ज़रूर करेंगे। इसमें मुझे पूर्ण भरोसा है इस टैंक पर, क्योंकि मैंने 100 जेम पे किया है इसके ऊपर। मुझे थोड़ा सा बच कर खेलना होगा इधर, अगर मैंने छोटी सी गलती कर दिया ना तो मेरा टैंक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इस लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। लेवल कंप्लीट हो गया, मैंने सभी लेवल को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच।